साल के अल्जीरियाई मूल के उस लड़के की मौत पर हुआ जिसे 3 दिन पहले पुलिस ने गोली मार दी थी। इस घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया जो बाद में बहुत बड़ी हिंसा में बदल गया और उस नाबालिग को इंसाफ दिलाने के लिए फ्रांस के कई शहरों में आग लगा दी गई। सबसे ज्यादा बवाल राजधानी पेरिस में देखने को मिला जहां दिन भर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होती रही। पुलिस वाले एक जगह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते तो वो दूसरी जगह जाकर पत्थरबाजी शुरू कर देते। आंसू गैस के कई गोले दागने पर भी वो सड़कों से नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी। इसके साथ ही कई दुकानों और दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया गया जिससे पूरे शहर में धुआं फैल गया। बड़ी बड़ी क्रेन को भी हंगामा कर रहे लोगों ने फूंक डाला और गुस्साए लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की शांति बनाए रखने की अपील को भी नहीं माना। एक दिन पहले इमैनुअल मैक्रों ने गोली मारने की घटना को गलत बताया और इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक कर कई अहम फैसले भी लिए। लेकिन उनकी इस अपील के अगले दिन भी फ्रांस में बवाल नहीं थमा। लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस पर दिखाई दिया। पेरिस में तो कुछ महिलाएं मिलकर एक पुलिस वाले पर ही टूट पड़ी। ये देखकर उसका साथी उसे बचाने पहुंचा लेकिन हाथापाई कर रही महिलाओं ने उसे धक्का दे दिया जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने लगी जिस पर उनका पारा और चढ़ गया। गुस्से से थमथमाई उन महिलाओं को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए लेकिन इस पर भी वो शांत नहीं हुई। तभी उनका साथ देने कई और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और फिर उन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इससे भी जब प्रदर्शनकारियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने कई इमारतों में भी आग लगा दी। इसकी वजह से दमकल कर्मियों को लगातार आग बुझाने के काम में जुटना पड़ा और इस हंगामे के दौरान कुछ लोगों को तोड़फोड़ और लूटपाट का भी मौका मिल गया। पेरिस के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शन के बीच कुछ लोग दौड़ते हुए एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गए। ये देखकर वहां चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो शॉपिंग मॉल की तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ चीजें बिखरी नजर आईं जिससे जो मिला वो वहां से लूट कर जा चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर पेरिस के एक दूसरे इलाके से सामने आई। वहां कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों से हथियार लूटते दिखाई दिए। इसके बाद जब उन लोगों ने पुलिस वालों को देखा तो वो दौड़कर वहां से भाग गए। इसी तरह पेरिस के कुछ बैंकों को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस के कई इलाकों में सड़कों को जाम करने की भी कोशिश की। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया और एक इलाके में सड़क के बीचों बीच एक बस को खड़ा कर उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते वो बस आग के गोले में बदल गई। इसके अलावा भी कई सड़कों पर आगजनी कर उन्हें जाम कर दिया गया जिसके बाद पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते दिखाई दिए। वहीं एक दूसरे इलाके में भी बस डिपो को निशाना बनाया गया। वहां भी कुछ बसें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। इस बीच पेरिस में पुलिस की गोली से मारे गए लड़के की मां ने मशाल यात्रा निकाली। उनका साथ देने के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने पोस्टरों और बैनरों के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर अपना विरोध जताया। 17 साल के लड़के की मौत के बाद से सुलग रहे फ्रांस में हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने 700 लोगों को हिरासत में ले लिया। ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाया और फ्रांस के मीडिया का दावा है कि इन झड़पों में करीब 250 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही फ्रांस के अलग अलग शहरों से करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन पर हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। इस बीच फ्रांस में हिंसा की वजह से बिगड़ते हालात पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिर अपने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के बाद राजधानी पेरिस समेत सभी शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। शांति बनाए रखने के लिए 50,000 पुलिसकर्मी फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही दंगा भड़काने वालों पर सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए गए। फ्रांस में जिस लड़के की मौत पर दंगे शुरू हुए वो अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम परिवार का बताया जा रहा है। इसलिए इस घटना के बाद वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस घटना को फ्रांस में लंबे वक्त से पनप रहे धार्मिक असंतोष से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कई बार वहां दंगे हो चुके हैं जिनमें एक पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ जब एक मुस्लिम लड़के की मौत के बाद वहां आग लग गई। इसकी वजह फ्रांस के धर्म निरपेक्षता से जुड़े कानूनों को माना जाता है। फ्रांस की आबादी करीब 7 करोड़ है जिसमें 50 लाख मुस्लिम आबादी होने का अनुमान है। ये दूसरे नंबर पर वहां की सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन फ्रांस की धर्म निरपेक्षता भारत जैसी नहीं है। वहां न तो किसी सिख को पगड़ी रखने का अधिकार है न किसी मुस्लिम को टोपी पहनने का। मतलब सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि फ्रांस में उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं होता। माना जा रहा है कि मुस्लिम लड़के की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद लोगों का वही गुस्सा भड़क गया। इस बीच फ्रांस के पेरिस में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर को भी आग लगा दी। 3 दिन पहले पुलिस की गोली का शिकार हुए लड़के की मौत के बाद वहां हिंसा का दौर जारी है जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोगों से शांति की अपील भी की। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पेरिस के ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया और उसमें आग लगा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की कई फीट ऊंची लपटें उठती दिखी। साथ ही रात के अंधेरे के बीच आग के साथ तेज धमाकों की आवाज भी गूंजने लगी जिसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई। 3 दिन पहले पेरिस में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक 17 साल के लड़के को गोली मार दी थी जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क उठा।
बताया गया कि जिस पुलिसकर्मी की गोली से नाबालिग की मौत हुई उसने मरने वाले लड़के के परिवार से माफी मांग ली। वो पुलिसकर्मी हिरासत में है और उसके वकील ने बताया कि जब वो पुलिसकर्मी से मिला तो उसका पहला और आखिरी शब्द सॉरी था। वकील ने यह भी जानकारी दी कि वो पुलिसकर्मी 17 साल के उस लड़के को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि 3 दिन पहले उसके गोली मारने से ही उस नाबालिग की मौत हो गई थी। हुआ यह था कि 2 पुलिस वाले नाबालिग की कार को रोककर उससे कुछ बात कर रहे थे। नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था। उस घटना के वीडियो में एक पुलिस वाला उस नाबालिग पर पिस्तौल ताने हुए भी नजर आया था। इसी दौरान नाबालिग ने गाड़ी भगा दी थी और पुलिस वाले ने गोली चला दी थी जिससे उस लड़के की सड़क पर ही मौत हो गई थी। इसी बात पर फ्रांस में लोग भड़के हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि पुलिस को गोली चलाने की जरूरत क्या थी। पुलिस का दावा है कि कार चला रहे उस लड़के को चेकिंग के लिए रोका गया था, मगर वो नहीं माना और उसने अपनी कार दौड़ा दी। फ्रांस में इसके लिए 2 साल की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान है, मगर पेरिस में पुलिस ने उस नाबालिग की जान ही ले ली। यही वजह है कि फ्रांस में प्रदर्शनकारी आग बबूला है और पुलिस ने आखिर किस कानून के तहत 17 साल के उस लड़के को गोली मारी। क्योंकि फ्रांस का कानून पुलिस को हक देता है कि वो किसी भी वक्त किसी भी गाड़ी और उसके ड्राइवर के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उसे रोक सकती है, लेकिन पुलिस गन कुछ खास स्थितियों में ही चला सकती है, जैसे जब या तो पुलिस या फिर किसी दूसरे शख्स की जिंदगी या सुरक्षा खतरे में हो या फिर पुलिस की सुरक्षा में मौजूद किसी शख्स या जगह पर ही हमला हो जाए। एक और स्थिति में फ्रांस की पुलिस गन का इस्तेमाल कर सकती है, वो तब जब पुलिस किसी ऐसी गाड़ी को न रोक पाए जिसका ड्राइवर ऑर्डर करने के बाद भी न रुके और उस गाड़ी में सवार बाकी लोगों से किसी की भी जान को खतरा हो। इसके अलावा फ्रांस में पुलिस तब भी गोली चला सकती है जब ऐसा करके किसी की हत्या होने से रोकी जा सके। फ्रांस में सड़कों पर मचे बवाल के बीच वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में थिरकते नजर आए, जिसका वीडियो सामने आने के बाद मैक्रों अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। क्योंकि फ्रांस इस वक्त भयंकर हिंसक घटनाओं की आग में झुलस रहा है। पेरिस में 17 साल के नाबालिग को गोली मारने की घटना के बाद से ही वहां लोगों ने सड़कों पर कोहराम मचा रखा है। कई शहरों में दंगे भड़क चुके हैं, लेकिन इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच गए जिसका वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में मैक्रों अपनी पत्नी के साथ म्यूजिक पर थिरकते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद मैक्रों अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। फ्रांस में विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति देश में हो रहे दंगों से निपटने के बजाय मौज मस्ती करने में व्यस्त हैं। बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में देखने को मिली, जहां बाढ़ के पानी ने तांडव मचा दिया। भारी बारिश की वजह से सरस्वती नदी में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया कि वो किनारों को तोड़कर बहने लगी और किनारे पर बने प्राची तीर्थ स्थल को अपनी चपेट में ले लिया। सरस्वती नदी का शोर करता पानी वहां से इस कदर बह रहा था, लगा जैसे सुनामी आ गई हो। प्राची तीर्थ स्थल पर बने मंदिर भी पानी में डूबे नजर आए। मंदिर के बाहर तीर्थ यात्रियों के बैठने के लिए बनी जगह तो पूरी तरह से पानी में डूब गई। बाढ़ की वजह से सरस्वती नदी के पानी ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद सरस्वती नदी ने रौद्र रूप दिखाया तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की गई, साथ ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। गुजरात के जूनागढ़ में भी बीते 2 दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कालवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और उस पर बना विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में भयानक बाढ़ आ गई। लोगों के घर, खेत, सड़कें पानी में डूबी नजर आई और चारों तरफ सैलाब का सितम दिखने लगा। जलस्तर बढ़ने की वजह से कालवा नदी का पानी विलिंगडन डैम के ऊपर से झरने की तरह गिरने लगा। बांध से गिरते नदी के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लगा वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को बहा ले जाएगा। विलिंगडन डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से कई इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई। पानी लोगों के घरों में कोने कोने तक भर गया। घरों में रखा सामान पानी में डूबा नजर आया। बाढ़ के पानी ने घर के कमरों को तालाब बना दिया। विलिंगडन डैम के निचले इलाकों में रह रहे लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी। आसमान से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी तो बांध से आए पानी ने उनकी सांसें अटका दी।